हमेशा सीखने की गुंजाइश रखनी चाहिए और हमेशा हम चाहते हैं कि आप लोगों से बेस्ट कोई नहीं है, आप लोग बहुत बेस्ट हैं और जब जेएनयू के बाहर आइएगा तो हम ज़्यादा सीखेंगे आप लोगों से। जेएनयू के भीतर सीखने की गुंजाइश हो सकता है तभी हो, लेकिन जब बाहर जिंदा रहने दीजिएगा तब। सर आपकी जितनी वजन है उतनी हम डेली सर बांटते हैं। अरे पप्पू यादव जिंदाबाद। रुके, जितना ज्यादा लूटते सर, हम तो लूट के बांटते हैं लेकिन आप लूट के भी नहीं बांटते। एक पैरेलल बात तो कर रहे हैं ऐसे ही, वजन से ज्यादा बांट रहे हैं और हम इसको ज्यादा लूट रहे हैं। वो जब एबीपी, वो जब एबीपी न्यूज पे जाइएगा ना आप, जब देखिए एक बार देख लीजिए ना, पूछो ना, आप अपना मोबाइल खोल लीजिएगा, यूट्यूब देख लीजिए। अरे आप ही का कॉमरेड है, सब लोग ऐसा कही है, ऐसा का ही वोटर है, सब बोलने दीजिए। अच्छा, ऐसा कही मेरा सिर्फ छोड़ दीजिए सर, मेरा मैं भाई बात करने में, मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव, कोई बात नहीं बेटा, पॉजिटिव रहिएगा ना, आप इतने जीनियस हैं, पॉजिटिव कोई चीज को रखिएगा ना तो उसका जो फैलाव है ना बहुत ज्यादा, और आप लोग हमारे बहुत अच्छे, वही आप लोग बहुत अच्छे हैं। जब जिंदा रहने दीजिएगा तब ना हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मेरा तो आपका ये तो मैं कह रहा हूँ, एक लेवल का मतलब लेवल प्लेइंग गेम ही नहीं होगा। अगर कोई हत्यारा है तो हत्या कर देगा, जैसे यहाँ पे बीसीएम को सुन ही नहीं रहा है, सरकार हमसे मजबूत है, मैं हमको डंडे बरसा दे रही है। मेरा एक रिक्वेस्ट है भाई मेरे, आप तो अभी आए जेएनयू में ना, आपके पहले आप हमारे साथ लगभग 2-3 साल दीपांकर जी लोग हैं, हम लोग बहुत साथ में लंबे समय तक संघर्ष किए हैं। मेरी बात मैं बता देता हूँ, आपके जो पूर्वज है ना, थोड़ा सा सुनने की भी आदत डाल, मेरी बात थोड़ा कर सकते हैं इसमें, मैं थोड़ी सी, मोदी जी भी रह रहे हो आपके साथ, मेरी बात थोड़ी सी सुनने की आदत डाल लीजिए ना। मेरा एक रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है आपसे, मेरा एक रिक्वेस्ट इतनी है आपसे कि हम लोग साथ मिलके जब बेहतर करेंगे ना तो वो थोड़ा 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 सभी चीजों का जो बैलेंस, तब नु बढ़िए मने जिंदा रहिए तब नु करिए। आप सुना ना रहो ये बात, कहाँ घर बार रहो था, घर कहाँ के बारे में, डर नहीं लगता मुझे क्या? नहीं नहीं, घर कहाँ बारा नहीं पता, सुना ना रहो, बिहारी है, बिहारी कहाँ घर बारा बड़ा। मैं एक बात आपको बता दूं कि आपका जन्म नहीं हुआ था तो हम एमएलए थे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत ही बुरा नहीं मानूंगा, चीजों को पॉजिटिव हमेशा लिया, बहुत अच्छा लगेगा। तो मोदी भी तो कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाबू मैं आपकी बेटा नहीं, मैं तो बेटा की तरह ही बोलूंगा क्योंकि मेरी उम्र 52 है। ठीक है, कोई नहीं। अरे अब तो बच्चे उतर गए, छोड़ो, कोई नहीं, ये बच्चे हमारे।